वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। चुनाव के परिणामों के बाद देश में एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, लेकिन मेवाड़ को इस बार भी अछूता रखा गया। चर्चा थी कि मेवाड़ से भी किसी न किसी को मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी हो, केंद्र में भाजपा की सरकार रही हो, लेकिन मेवाड़ से आज एक भी ऐसे व्यक्ति, एक भी ऐसे सांसद जिनको कैबिनेट में मौका नहीं मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी शर्मा है। सर, क्या सोचते हैं, तरह से मेवाड़ वागड़ की बात होती है तो पहले उस मेवाड़ वागड़ को याद करते हैं जो केंद्रीय मंडल हो या फिर ऐसे बड़े नेता, लेकिन मेवाड़ को अछूता रखा जाता हर बार ये देखने को मिला। बिल्कुल राजेश जी, आपने सही विषय को पकड़ा है और ये एक विडंबना रही है कि मेवाड़ ने कई सारे सांसद दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मंत्री पद की बात आती है वहाँ पर मेवाड़ को अछूता ही रखा जाता है। पिछले अगर आज़ादी के बाद से हम देखें तो मेवाड़ में डॉक्टर गिरिजा व्यास केंद्रीय मंत्री रही हैं, डॉक्टर सीपी जोशी जी जो हैं कांग्रेस, दोनों कांग्रेस के वो मंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री के तौर पे मेवाड़ से अभी अछूता रहा है। और ये अभी सोचा जा रहा था कि मन्नालाल रावत जो उदयपुर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं उनको जनजाति मंत्री का पद मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जनजाति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम भी किया है और डीलिस्टिंग एक बहुत बड़ा विषय जो रहा है, डीलिस्टिंग को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला है, खासतौर से जो मेवाड़ रीजन में डीलिस्टिंग को लेकर जो आंदोलन चला था उसका जो एक नेतृत्व नहीं कह सकते, लेकिन जब चूँकि वो सर्विस में थे, लेकिन बहुत अच्छे तौर पे उन्होंने इस पे काम किया है डीलिस्टिंग को लेके, और जनजाति क्षेत्र में जो उनकी उनका जो नॉलेज है और जो काम उन्होंने किया है उसको देखते हुए ये संभावना ज़रूर जताई जा रही थी कि उनको ऐसा पद मिल सकता है। लेकिन एक पक्ष ये भी था, क्योंकि इतने सालों में जब नहीं मिला और पिछले दो टर्म से जब अर्जुन लाल मीणा जी उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे थे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 10 साल शासन कर रही थी, जब उनको ही मंत्री पद नहीं दिया गया तो मन्ना लाल जी की संभावना भी लगभग क्षीण होती जा रही थी। एक आस थी वो भी लगभग ख़त्म हो गई। दूसरा, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, अच्छे मतों से पिछली बार भी जीते, अभी भी जीते, उन वो भी एक दावेदार थे। इसके अलावा महिमा कुमारी जो एक राजघराने से आई है और पहली बार में एक बहुत भारी मतों से उन्होंने विजय हासिल की, उनके पति ने भी नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो एक राजघराने के तौर पर देखे और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए क्षेत्र में अगर एक मंत्री पद दिया जाता है तो मेरे को लगता है कि इससे एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को ही इसका फायदा होता। जिस तरह से शेखावटी इलाका है वहाँ पर ही जो चारों मंत्री दिए हैं, यहाँ की मेवाड़ वागड़ को अछूता रखा गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा इन सीटों को सेफ मानती है, क्योंकि शुरुआत से माना जा रहा था जो मेवाड़ का इलाका है वो भाजपा के लिए सेफ है, तो कहीं नहीं भाजपा ने इस कारण मेवाड़ को मौका नहीं देता। नहीं, मेवाड़ के लोग क्या भोले हैं, असल बात यह क्या है कि मेवाड़ के लोग इतने भोले हैं कि अपने जो अधिकार है ना वो भी नहीं मांगते। यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो पिछले सालों का जो अनुभव रहा है कि एक बहुत ही सभ्य तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, लड़े झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसे मैंने दूसरे क्षेत्रों में जैसा आपने शेखावटी का कहा है कि अगर मंत्री पद नहीं दे तो वहाँ पर चाहे सांसद कोई डिमांड नहीं करे, सांसद डिमांड नहीं करे, लेकिन वहाँ के जो वोटर्स हैं वो डिमांड करने लग जाते हैं, उनकी तरफ से आंदोलन होने लग जाता है और अपना अधिकार जो है वो मांगते हैं वहाँ पे। और दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखते हैं राजस्थान के, वहाँ पे भी अपना अधिकार जो है वो मांगते हैं, चाहे वो बाड़मेर की तरफ, बाड़मेर वाला जो इलाका, जैसलमेर इलाका, जोधपुर आप ले लीजिए, लगातार वहाँ से जो है मंत्री बनते रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनते रहे हैं। लेकिन मेवाड़ चूँकि शुरू से ही एक इस क्षेत्र में अछूता रहा है, डिमांड कम करते हैं, इसलिए देते भी नहीं है। फिर कहीं ना कहीं फिर आगामी जो चुनाव होंगे उसमें साफ तौर पर इस स्थिति में देखें तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। नुकसान होता ही नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं मिल रहा है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन रहा है,
दो अर्जुन लाल मीणा जी बन गए, उसके बाद में मन्ना लाल जी रावत फिर जीत गए। अगर ये होता जैसा आपने प्रश्न किया कि अगर ये ऐसा होता तो अभी मन्ना लाल जी जीतते ही नहीं, हरा देती पब्लिक उसको। लेकिन मेवाड़ की जनता भोली है, वो चाहे पद नहीं दे फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन है, हाँ, लेकिन दुख है कहीं न कहीं यहाँ के जो वोटर्स हैं, मेवाड़ के जो वोटर्स हैं उनके मन में ये दुख है इस बात का कि हमारे यहाँ पर अगर अगर मंत्री दिया जाता तो क्षेत्र का भी भला होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, गिरिजा व्यास जब यहाँ को केंद्रीय मंत्री बनी थी, उदयपुर के कई सारे लोगों को वहाँ दूरसंचार दूरदर्शन में नौकरी मिली वहाँ पर, और यहाँ पे दूरदर्शन का जो है विकास हुआ, आकाशवाणी का जो विकास हुआ उदयपुर संभाग में, कई सेंटर्स जो है आकाशवाणी के खोले गए यहाँ पे। सेकंड, जब सीपी जोशी जी जब परिवहन मंत्री बने थे, यहाँ सड़क पर मंत्री बने, तो ये जो आपका जो ब्यावर से लेके और उदयपुर तक का जो हाईवे है, फोर लेन करने का जो काम है, या आपके चीरवा की जो टनल है इसको खोलने का, जो चीरवा का घाटा जो चढ़ते थे लंबा सब, उसको कम करने का, ये उन्हीं के कार्यकाल में ये बेनिफिट होता है कि वो अपने क्षेत्र के बारे में जरा थोड़ा सोचते हैं कि यार ये है तो हो सकता है, तो ये बेनिफिट मिलता है उसके। आप बताएं सर, चुनाव हो गए, कैबिनेट बन गया, मेवाड़ को फिर से अछूता रखा, क्या सोचते हैं आप? ऐसा है कि सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेवाड़ से नहीं लिया, कारण क्या है, मेवाड़ से लेना जरूरी था। तो सर क्या मानते हैं आप, कहीं सेफ मानते हैं, सेफ सीट भाजपा मान रही है? ये सेफ सीट मान रही है कि हमारी ये सेफ सीट है क्या? सर आप बताएं, कहीं ना कहीं हर बार देखने को मिलता है कैबिनेट का विस्तार होता है, राजस्थान में पिछली बार भी जो चार मंत्री दिए थे वह शेखावटी इलाके के थे, और इस बार भी वही देखने को मिला, जो चारों मंत्री वह लगभग शेखावटी इलाके के। मेवाड़ फिर से कहीं के अछूता है, क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं इससे? देखो राजेश जी, मेरा ये मानना है कि मेवाड़ की सीटें बीजेपी के लिए नो डाउट सेफ है, इसमें कोई दोराय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए, एक मंत्री होना एक अलग बात है और क्षेत्र विशेष को मंत्री नहीं होने के बाद तवज्जो ना मिलना एक अलग चीज़ है। यहाँ भले मंत्री ना रहे हों लेकिन इस क्षेत्र विशेष को बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट ने विकास की सौगातें भरपूर दी है। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें, ब्रॉडगेज की बात करें, तो इस क्षेत्र विशेष के अंदर वो नाराज़गी कभी पनपी नहीं, क्योंकि विकास उसको मिलता रहा और बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, 6 लेन भी आया, सब चीज़ें आई हैं। तो मंत्री होना हो सकता है कि इस सरकार के सेकंड टेन्योर के अंदर रीशफलिंग में मंत्री पद मिल जाए, मंत्री पद हुआ ही है पिछली बार भी, जिनको नहीं मिला था उनको मिला और जो थे उनको हटाया गया था, तो हो सकता है इस टेन्योर में मिल जाए, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्षेत्र विशेष पे तवज्जो मिलती रहे। सीपी जोशी को उस समय उनकी सभा में एक संकेत मिले थे कि इन्हें लाल बत्ती मिल सकती है, महिमा कुंवर जिनके महाराणा प्रताप को लेकर चर्चा होती है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं देखने को मिला। अब मेवाड़ में कहते कि लोगों में भी तो विरोध है सर। सीपी जोशी जी के मुद्दे पे मैं मान सकता हूँ कि ये बात है, क्योंकि उन्होंने एज अ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ाया और बीजेपी को अच्छे वोटों से वो लेके आए हैं, उनका पार्टी में भी अच्छा काम रहा है और वो बड़े यूथ हैं और बड़े पॉपुलर नेता हैं, केंद्र तक और राज्य तक उनके सीधी पहुँचे और बहुत अच्छे काम भी किए हैं। कहीं ना कहीं मन में कार्यकर्ताओं के तो है कि सीपी जोशी को तो लाना ही था। महिमा कुमारी जी रही बात इनकी, तो ये सब बाहर बाद में आए हैं, इनको थोड़ा काम करने का अनुभव होगा, फिर पार्टी में कहीं ना कहीं इनको मिलेगा स्थान धीरे धीरे। ठीक, तो ये थे उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपनी राय रखी, क्योंकि मेवाड़ है, मेवाड़ को फिर से अछूता रखा गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।